Hey guys, welcome back to 6th episode of Minecraft Survival Series. To aapne 5th episode dekha hoga to usme maine ek iron farm banaya tha. To is episode mein aaj hum slime farm banane wale hai. Is farm ko hum swamp biome mein banane wale hai because slime yaha spawn hote hai. To in shulkas mein maine wo items collect kar ki rakhe hai jo is farm ko banane mein use hoga. तुमे ने चंक बेस्ड नाम की वेबसाइट से डू स्लाइम चंक लोकेट किया था तो हमें वो चंक्स खोदनी होगे। तो एक चंक यह है और दूसरा उसके पिची का यह वाला है। आप मैं पहले चंक्स टू फ्लैट करता और ट्री को भी काटता हूँ ताकि हम फार्म बना पाए। हाँ टू गाइज, मैंने डू नो चंक फ्लैट कर दिए है और ट्रीज को भी काट दिया है। टू अब हम फार्म बना सकते हैं। यह स्लैब सेंटर होगा इस फार्म का। टू यहाँ से हमें चारों साइड 4 ब्लॉक्स डिग करने हैं। आप स्लैब की नीचे से 4 ब्लॉक्स और डिग करने हैं और फिर उतना पूरा एरिया डिग कर देना है। टू गाइज, आप में स्लाइम को मारने के लिए यह किलिंग चेंबर बना रहा हूँ। आप इस स्लैब की ऊपर डर्ट प्लेस करने हैं और इसकी चारों तरफ फेंस प्लेस करने हैं। और यह जो फेंस गेट और फेंस यूज कर रहे हैं वो नेदर की यूज करने हैं बिकॉज वो लावा से बर्न नहीं होते। सेंटर से 3x3 का एरिया डिग करके मैग्मा ब्लॉक प्लेस करने हैं। टू गाइज, आप हमी सेंटर में यहाँ नीचे आके कोई भी एक साइड 15-20 ब्लॉक्स डिग कर लेने हैं। इतना हो जाने की बाद और एक बार कोई भी साइड सेम डिग करना है।
तो आप यहाँ वाटर प्लेस करना है ताकि स्लाइम बॉल यहाँ नीचे आके वाटर फ्लो से सीधा चेस्ट और हॉपर में कलेक्ट हो जाए। तो गाइस कलेक्शन चेंबर बांध गया है तो अब हमें यहां चारों कोनों में वाटर प्लेस करना है। अब हमें सेंटर में स्लैब की ऊपर एक आयरन गोलम स्पॉन करना है बिकॉज स्लाइम गोलम को देख की किलिंग चेंबर में चले जाए। अब हमें इस कॉर्नर से डायगोनली दो ब्लॉक स्किप करके तीन कैंडल लगाने हैं और फिर चारों साइड सेम रिपीट करना है। तो अब हमें सेंटर से चारों साइड 8 ब्लॉक्स काउंट करने हैं और 9th ब्लॉक पे कुछ ब्लॉक प्लेस करना है और फिर उन्हें कनेक्ट कर देना है। तो हमें फिर से सब कॉर्नर में और सेंटर में दो कैंडल प्लेस करने हैं। अब हमें इस वॉल को और 5 ब्लॉक्स ऊपर बिल्ड करना है तो टोटल वॉल हाइट 6 ब्लॉक्स होगी। फिर 7th हाइट पे हमें रूफ बनाने हैं। मैंने बाय मिस्टेक वॉल हाइट 5 ब्लॉक्स की बना दी है पर मैं वो फिक्स कर दूंगा। मैं यहाँ टिंटेड ग्लास यूज कर रहा हूँ ताकि मैं स्लाइम को देख पाऊँ, पर आप कोई भी ब्लॉक यूज कर सकते हैं, बट नॉर्मल ग्लास यूज मत करना। तो अब हमें फार्म के चारों साइड टॉर्च लगाने हैं ताकि दूसरा मॉब स्पॉन ना हो सके।
A few moments later. मैंने इतना एरिया टॉर्च से कवर कर लिया है। तो अब मैं सेंटर से 80 ब्लॉक्स ऊपर एएफके स्पॉट बनाता हूँ और एएफके रहता हूँ। तो वो देखो स्लाइम स्पॉन हो रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।